हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मामिया ब्लॉग्स कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे सो so, आज फिर लेकर आई हूँ मैं आपके लिए सारी रिज़ आइडियाज़ एंड आई एम श्योर आज का ये जो हमारे टाइटल है ना इसे देखकर आप सोच रहे होंगे ये कैसा अजीब सा टाइटल है ऐसा कैसे हो सकता है तो मैं आपको बता दूं कि टाइटल जो है ना परफेक्ट है आज की वीडियो के अकॉर्डिंग क्योंकि आज जो सारी रिज़ आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना आई एम श्योर ऐसे सारी रियूज़ आइडियाज़ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम ऐसा कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं और ये एक्चुअल में अभी कुछ एक साल पहले मैंने खुद डिज़ाइन किए थे जब मैंने स्टिचिंग uh, सीखी थी मैंने किया था स्पेशल का कोर्स और उसके अंदर मुझे अलाउड था अपनी चॉइस की अपनी पसंद के कोई भी चीज़ मैं सीख सकती थी उसमें सो so गाइस तब मैंने बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन की लेकिन वेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम यू डोंट गेट मोर चांसेस टू वेयर ऑल दोज थिंग्स सो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ बट चैनल स्टार्ट हुआ आप लोग के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ और उस इंटरेक्शन की वजह से मेरी ये जो दबी हुई चीज़ें थी ना यार ये निकलनी शुरू हो गई बाहर सो so, आज के जो हमारे दोनों प्रोजेक्ट्स हैं दोनों एक्सपेरिमेंट्स हैं इसके लिए एक जो प्रोजेक्ट है इसको तो मैंने साड़ी से ही डिज़ाइन करवाया लेकिन दूसरा स्क्रैच मटीरियल से मैंने बनाया है, जो कि Uh, साड़ी के मटेरियल से जो बचा हुआ पीस होता है ना उसे मार्केट से उठाकर उससे बनाया सो so, आज जो दो प्रोजेक्ट्स मैं शेयर करने वाली हूँ ना पहले मैं दिखाती हूँ उनमें से जो इजी प्रोजेक्ट है मेरा सो so, गाइस ये है मेरा पहला प्रोजेक्ट ये जो श्रग है ना ये बनाया मैंने किमोनो स्टाइल पूरा दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इसे डिज़ाइन किया है सो so, शुरू करते हैं सो so, गाइज ये है हमारा टॉप टाइप श्रग जिसको किमोनो स्टाइल में मैंने बनाया है और ये जो है इसके अंदर ना ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है डिफरेंट स्टाइल कैसे ऐड किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने इसको बनाने के लिए ना जो मेरी किमोनो स्टाइल यार पहले सबसे पहली बात किमोनो स्टाइल जो है ना ये सबसे इजी चीज़ है बनाने के लिए जब भी आप बना रहे हैं या आप बिगिनर हैं या आपको नहीं भी आता ना तो आप अपनी किसी भी कुर्ती से या किसी भी चीज़ से ना साइज लेकर और सीधे इसे बना सकते हैं सीधा इसके अंदर बाजू के लिए आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे बाजू के लिए निकालना होता है नीचे से काटना होता है सेम वैसे ही मैंने किया मैंने भी इसको इस तरीके से काटा था ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे सीधा रखते हुए बाजू के लिए काटा और थोड़ा सा घुमाते हुए और उसे नीचे कर दिया मैंने एक्चुअल में ना ये तो मैं आपको बता रही हूँ लेकिन जब मैंने इसको किया था तो मैंने अपनी कुर्ती से जो मेरा एक टॉप था उससे साइज़ लेकर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे बना लिया थोड़ा एक्स्ट्रा रख दिया था क्योंकि लूजर अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं इसे एज़ अ श्रक पहनने वाली थी अब उसके बाद मैंने क्या किया नीचे की लेयर के लिए मैंने इस तरीके से ये बैग से देखिए ये इस तरीके से मैंने छोटा सा ये आपको दिख रहा होगा ये बैग को छोटा सा रखते ये पट्टी जो लगी है हमारी सिर्फ बैक पोर्शन पे लगी हुई है ये देखिए ये सिर्फ बैक पोर्शन पे है अब फ्रंट के लिए मैंने क्या किया फ्रंट के लिए मैंने उसको दो हिस्सों में कट कर लिया जो हमारा कपड़ा था उसको दो हिस्सों में दो पार्ट्स में मैंने कर दिया डिवाइड इस तरीके से अब काटने के बाद मैंने दिया है इसे ओवरलैप लोग मैं दिखाती हूँ आपको पूरा ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये पूरा ये जो चीज़ है ना इसको हमने किया ये यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए ये जो था हमारा ये पोर्शन सारा मैंने बीच में से काट दिया और काटने के बाद मेरे पास ये ना जो हमारे साड़ी का मटेरियल होता, होता है बहुत हल्का होता है तो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो कॉटन का मटेरियल था मैंने उसको लिया मिलता जुलता ले लिया तो मैंने इसी तरीके से ये कपड़ा अपना जो था ये ले लिया और जो हमारे किनारे थे उसको अंदर रखते हुए और इसको ये पट्टी मैंने लगा दी और यही जो थी ना ये दो इंच की तकरीबन पट्टी है मेरी जो मैंने दोनों तरफ लगा दी बाजू में इस तरीके से लगा दी ये बाजू में इस तरीके से लगी हुई है फ्रंट में लगी हुई है और उसके बाद क्या किया नीचे से इसको ओवरलैप करते हुए रखा क्योंकि जब हमने ये दो इंची की पट्टी इधर लगाई और दो इंची की पट्टी इधर लगाई तो नीचे के पोर्शन से हमारा ऊपर का पोर्शन जो था वो एक्स्ट्रा हो गया और उस एक्स्ट्रा होने की वजह से मेरे पास ओवरलैपिंग करने में आसानी हो गई तो मैंने इसे किया ओवरलैप और नीचे इसके ये देखिए इलास्टिक मैंने ये लगाया है यहाँ पर इलास्टिक लगाया है और वो जो इलास्टिक है उसे खींच के लगा दिया गया है तो आप देखिए इसका लुक ऐसे आ गया ये देखिए और सिंपल सा था सीधी सिलाई हमने करनी थी पट्टी मैंने ऑलरेडी लगा दी थी उसके बाद सिलाई हो गई हमारी अब मैंने इसके आगे क्या किया मेरे पास थे इस तरीके के शू होल्स पड़े हुए थे लेट मी शो यू इस तरीके के शू होल्स जो हमारे शूज़ में होते हैं और मैंने वो बीच में छेद किए उसके तीन 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 मैंने इधर किए और तीन मैंने इधर किए नाप के और उसके बाद मैंने उसके अंदर डाल दिया ये इस तरीके से आ, मेरे एक लोअर का ये जो लोअर में टाई करने के लिए जो थ्रेड होता है हमारा तो मैंने ये उसी के वही डाल रखा है इसके अंदर और जिस तरीके से हम शू लेस बांधते हैं उसी तरीके से मैंने इसके अंदर इसको पिरो है ये शू आ, आपके पास शू होल्स नहीं हो तो आप बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं हुक्स लगा सकते हैं टिचेस लगा सकते हैं टिच बटन्स जो होते हैं आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं मेरे पास जब मैंने ये टॉप बनाया था उस पर मेरे पास ऐसे के शू होल्स थे तो मैंने उन्हीं का यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे लगा थोड़ा स्टाइलिश लुक आ जाएगा कि ऐड करके देखते हैं कि शू होल्स जो लगाना होता है ना बहुत आसान काम होता है तो इस वैसे ये आपको ऑनलाइन ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं अगर आप इस तरीके के कोई भी टॉप्स बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि लुक इन्हेंस हो जाता है थोड़ा उसके अंदर ना वो होमली वाला जो टच होता है ना वो नहीं आता है तो कैसा लगा आपको हमारा ये आइडिया मैं आपको फ्लैट ले इसीलिए दिखा रही हूँ इस तरह से कि ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए किसी तरीके का कोई जोड़ नहीं है पीछे बिल्कुल वही नॉर्मल सिलाई करके और दो इंच आगे से मैंने इसका बढ़ा रखा है और एक्चुअल में मेरे पास ना ये कपड़ा ही इतना था और मुझे ये स्टाइल मैंने पता नहीं किस जगह देखा था कौन सी पिक्चर में आई डोंट नो मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस पर बनाया आप बताइए आपको कैसा लगा है ना ये थोड़ा सा हटके सो so सगैज़ आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको किया है डिज़ाइन अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना दूसरा प्रोजेक्ट जिसको मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में पहना है सो so सगैज़ ये है मेरा दूसरा प्रोजेक्ट जो कि है एक टॉप टाइप श्रक तो आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि इसको मैंने कैसे बनाया था इसको मैंने बनाया था कोट स्टाइल इस श्रग को सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इस श्रग में क्या किया सेम उसी तरीके से इस ट्रक के अंदर जिस तरीके से एक कुर्ती होती है ना आपकी कोई टॉप होता है मैम मैं तो कुर्ती बोलूँगी कि आपके पास जो कुर्ती या सूट है ना आपको उसका नाप ले लेना चाहिए एक नॉर्मल तरीके से जिस तरीके से हम एक टॉप कट करते हैं या एक अपना कोई सूट बनाते हैं तो उसके अंदर हम जिस तरीके से अपना कटिंग करते हैं ना सेम उसी स्टाइल में इसको बनाया गया जिसके अंदर क्या था कि नीचे वाला जो पोर्शन था ना हमारा अगर उसके अंदर मैंने अपना ये वाले जो चीज़ है उसको यहाँ से पिप्स वाले एरिया से अगर मैंने उसको सपोज बीस इंच टोटल ले रखा है तो कायदे से ऊपर वाला भी हमारा अगर इस तरह से होना चाहिए लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है इसके अंदर हमने इस लेयर को जो हमने दो पीसेस में ये बनाया है अपना काट के इसको हमने तीन तीन इंच एक्स्ट्रा लिया लाइक नीचे का अगर मेरा बीस है तो ऊपर का ये जो मेरा एक पोर्शन है ना वो तकरीबन थर्टीन इंचेस का है तो इस तरीके से थोड़ा एक्सटेंडेड वे में हमें ऊपर वाले पोर्शन को काटना है अब उसको काटने के बाद हमने एक ऐसे करके ना स्लैंड देना है तिरछी लाइन हम लेकर आएंगे यहाँ पर ये तिरछी लाइन है इसके अंदर जो हम लेकर आएंगे अब उसके बाद मैंने क्या किया है कि एक इस तरीके का कपड़ा ये देखिए ये जो है ऐसा मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ यहाँ पर ये आपको शायद क्लियर नज़र आएगा ये देखिए इस तरीके से एक गुलाई लेते हुए मैंने एक कपड़ा काटा है जो मैंने इसे कॉलर की तरह यहाँ पर अटैच किया है ये आप देख रहे हैं ऊपर से चौड़ा है ये सात इंच की हमारी चौड़ाई है जो इस पट्टी की हमने ली है साइड से इसकी मोड़ रखी है और हमने इस तरीके से ये एक ऊपर एक लेयर कॉलर टाइप बनाने की कोशिश की है अब जब हम साड़ी से इस तरह की चीज़ बनाते हैं कॉलर टाइप कुछ करने की कोशिश करते हैं ना तो वो थोड़ा फॉल लिए हुए लगता है तो इसी तरीके से इस कॉलर को बनाने का पर्पज़ ही ये था कि जब इसे पहना जाएगा तो ये थोड़ा फॉलिंग लुक लगेगा इसका अब उसके बाद क्या किया गया है ओवरलैप करते हुए जब आपने किसी चीज़ को ओवर करते हुए दिखाना है किसी भी चीज़ को Uh, मैं तो इस टॉप की बात कर रही हूँ ये जो श्रग मैंने बना रखा है बट अगर आप ओवरऑल किसी भी चीज़ को जब ओवरलैप करते हैं तो आपको एक जो बेल्ट है अपनी लाइक like मैं इसको टाई करती हूँ इस बेल्ट को अपने साइड पर ये एक बेल्ट मैंने ये देखिए, ये जो बेल्ट है ईज़िली आप क्रिएट कर सकते हैं इस बेल्ट को मैंने ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर में जो मेरा आ, मेरा वेस्ट एरिया है वहाँ पर मैंने इसको लगाया है और दूसरी लेयर जो है हमारी दूसरी वाली जो हमारी पट्टी है ना इसको मैंने लगाया है जो राइट हैंड साइड के हमारा ये जो जॉइनिंग पार्ट था ना जिससे मैंने ये कॉलर टाइप एरिया जो मैंने आपको बताया कि मैंने एक राउंड सा जो पट्टी काटी थी उसका ये जो पॉइंटेड एरिया था ना उसके बीच में इन तीनों को अटैच कर दिया अब उससे क्या होगा कि जब मैं इसको ये देखिए जब मैं इसको इसके ऊपर लाऊंगी ओवरलैप करूंगी तो आई विल गेट दिस ऑप्शन टू टाइ दिस और ऊपर से ये हमारा कॉलर टाइप लुक आ जाता है और ये जो कॉलर टाइप लुक है फिर से बता दूं नीचे से पॉइंटेड है ऊपर से घुमाते हुए गोलाई में हम लेकर आए हैं ये पूरा यहाँ पर आई होप आपको विजिबल हो ये देखिए इस तरीके से ये हम पॉइंटेड तरीके से घुमाते हुए ला रहे हैं और इसको हमने पूरा वो कर दिया है ये आपने निकाली है लेयर इसकी इसको निकालने के लिए ना सबसे पहले आप अपना गला बनाएंगे जो आपने ये चीज़ काटी है अपनी फिर से मैं दिखाती हूँ आपको इसे खोल के कि ये जो आपने लगाया है ये आपने अपना ये जो काटा था ना यहाँ से स्लैंड करते हुए जो आपने काटा था उसके साथ आपने इस वाले जो कॉलर्ड पोर्शन है हमारा कॉलर टाइप ये जो कपड़ा हमने लगाया है इसको आपने अटैच करना है और उसके बाद ये देखिए और इसकी मैंने चौड़ाई भी आपको बता दी कि मैंने रखी है सात इंच अब बाजू जो है इसकी नॉर्मल बाजू है नॉर्मल इसकी बाजू में रखी गई है और साइड्स में लगाए गए हैं कफ ये बटन और इसके ऊपर इस तरीके से लूप बना दिया और लूप बटन के लिए जब भी हम साड़ी वाले मटेरियल से कुछ भी बनाते हैं यार तो उसके अंदर ना हमें पीको ज़रूर करवा लेना चाहिए उससे मजबूती आ जाती है ब्यूटी बढ़ जाती है जो हमारी चीज़ है जो हमारा एक्सपेरिमेंट है या प्रोजेक्ट है उसके अंदर ना फिनिशिंग दिखती है ये हमारा पूरा ओवरऑल ये हमारा श्रक टाइप टॉप रेडी है इसको आपने ऑलरेडी देखा होगा मुझे मेरी गिव अवे वीडियो में मैंने इसको पहना था एंड इट्स सच अ कूल टॉप इतना इतना इसका लुक इतना अच्छा यंकी सा लुक आ जाता है बहुत स्टाइलिश बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक है इसका तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं और हाँ एक चीज़ मैं बतानी भूल गई कि मैंने इसमें जिस तरीके से हम सूट्स में प्लेट्स डालते हैं ना तो उसमें बैक में दोनों जगह यहाँ पे प्लेट्स डाली गई हैं फिटिंग के लिए ताकि थोड़ा फिटेड लगे और सूट्स हाँ, में नॉर्मली हम जैसे पीछे डालते हैं बट इसमें आगे भी डाल रखी हैं सर हम अपना कोई भी चीज़ बनाते हैं कोई कुर्ती बनाते हैं तो कई बार हमारे पास छोटे से पीसेस बच जाते हैं उस तरीके के मटेरियल से हम इस तरीके के ना जो कैजुअल टॉप्स हैं उस रेडी कर सकते हैं सो so गाइस कैसे लगे आपको मेरे ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स आप बताइए कि क्या सच में ये थोड़े डिफरेंट नहीं है ये और आइडिया से थोड़े हटके नहीं हैं तो इसी तरीके से ना हम लोग अक्सर चीज़ें देखते हैं और उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं सो आई एम श्योर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो यू वेरी वेल नो वट यू हैव टू डू यू हैव टू लाइक द वीडियो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके रि यूज़ आइडियाज़ की वीडियोज़ प्लीज़ और जो हमने अपलोड कर रखी हैं उनको भी ज़रूर देखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा भी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सके गाइज so Signing off for now and see you guys in the next video. Till then, take care, stay motivated and keep rocking. Bye bye.